हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के फाइनल मैच से पहले बढ़ गई मोदी सरकार की चिंता। अचानक उतार दिए ब्लैक कमांडोज। ओए होए 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 होए, मतलब सिक्योरिटी तगड़ी हो रही है। अब इसके क्या रीज़न हो सकते हैं कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली हो कि भैया उसकी वजह से किया है, या क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं तो इसलिए ब्लैक कमांडोज आए हैं, या फिर पता चले कि पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ डिप्टी पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसकी वजह से की है। अब क्या वजह है भैया, सोच के बताओ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में आ रहे हैं। अब मैं ये बोलूंगी कि भैया ये वाला जो वर्ल्ड कप है, इट हैज बीन माइंड ब्लोइंग। जिस तरह से, मतलब अब ये जो फाइनल होने वाला है उसमें एयर शो होगा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री आ रहे हैं, जैसे मोदी जी आ रहे हैं इसको खास देखने के लिए। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी सुना नहीं है कि इतना उस टाइप से ग्रैंड स्केल में जो है, और स्टेडियम में भी इतना फैंटास्टिक, इतना वर्ल्ड क्लास, और उसमें जो लोग आएंगे देखने के लिए स्टेडियम में, इतनी अमाउंट किसी ने सोची भी नहीं होगी कभी वर्ल्ड कप में है। मेरे को तो लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे होंगे। तो चलो शुरू करें। फाइनल मैच से पहले बढ़ गई मोदी सरकार की चिंता। अचानक उतार दिए गए ब्लैक कमांडोज, घेर लिया गया मैदान। मैच से पहले आसमान में मंडराने लगे एयरफोर्स के विमान। फूल गई सांसे, ऑस्ट्रेलिया टीम भी देखकर हो गई हैरान। मंगवानी पड़ी खास मशीन, होटल फुल। अस्पतालों में भी जगह नहीं, लाख रुपए में मिल रहे एक एक कमरे। लाख रुपए। फाइनल से पहले फिर मचा बवाल, पिच पर किचकिच करने लगा ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी को लगाना पड़ा मैदान पर कैमरा, जांच होते ही खुली पोल। 19 नवंबर को ये पता चलेगा कि क्रिकेट का विश्व विजेता कौन है, लेकिन उससे पहले अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम तैयार है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकते हैं खास मेहमान, इसलिए मैदान के चारों तरफ खास सुरक्षा के इंतजाम किए गए। आसमान में वायुसेना के विमान मंडरा रहे तो ब्लैक कमांडोज ने स्टेडियम को चारों तरफ से घेर लिया है। टीम इंडिया इस पिच अहमदाबाद पहुंच चुकी है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रिहर्सल चालू हो गया है। कई बड़े दिग्गज पहुंचने वाले हैं। कहा जा रहा है कि फाइनल मैच में खुद इंग्लैंड फुटबॉल टीम के महान फुटबॉलर डेविड बेकम भी आएंगे, वो भी खास मेहमान के तौर पर। साथ ही फाइनल मैच शुरू होने से पहले अमेरिकी पॉप स्टार दुआ लिपा परफॉर्मेंस देंगी। अक्सर देखा गया है कि दुआ लिपा का परफॉर्मेंस फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के कई मुकाबलों से पहले हुआ है। दरअसल दुआ लिपा को बुलाने के पीछे आईसीसी ने एक बड़ी प्लानिंग की है। दुआ लिपा वर्ल्ड स्टार है, ऐसे में वो देश जिनकी रुचि क्रिकेट में नहीं है वो भी दुआ लिपा के परफॉर्मेंस की वजह से क्रिकेट के बारे में जानेंगे और समझेंगे। इधर नरेंद्र मोदी स्टेडियम का एक दिलचस्प नजारा सामने आया है। स्टेडियम में कई तरह की लाइट्स लगाई गई हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि मैच के दौरान लाइट शो भी देखने को मिलेगा जो दर्शकों को रोमांचित कर सकता है। इसके साथ साथ स्टेडियम में जगह जगह पर बड़े बड़े स्पीकर्स लगाए गए हैं जिस पर मैच के दौरान गाने सुने जा सकेंगे। इसके साथ ही मैच से जुड़ी अनाउंसमेंट और कमेंट्री की जाएगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करीब 1,32,000 लोग बैठकर मैच देख सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ये स्टेडियम मैच के दौरान खचाखच भरा हो सकता है, इस वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने पड़े। स्टेडियम में हर जगह पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा एसपीजी के जवान मैदान के भीतर भी मौजूद रहेंगे और मैदान के बाहर भी। स्टेडियम में आने जाने वाले दर्शकों की जांच होगी। स्टेडियम की सुरक्षा के लिए 3-लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। इधर क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका है जब फाइनल मैच से पहले आसमान में भारतीय वायुसेना की धमक सुनाई देगी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल मैच से ठीक पहले भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान अहमदाबाद के आसमान में करतब दिखाएंगे। ये एयर शो भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने तैयार किया है। ये इतिहास में पहली बार होने जा रहा कोई ऐसा शो है जो किसी क्रिकेट के इवेंट में परफॉर्म किया जाएगा। सूर्य किरण टीम ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम का एक वीडियो भी जारी किया है। इधर लोग सोशल मीडिया पर मीम शेयर कर रहे हैं कि अभी पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सकता है लेकिन मैच देखने के लिए, और वो भी स्टेडियम में बैठकर। लेकिन खबर है कि पाकिस्तान से भी कई लोगों को विशेष गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। पीसीबी के अध्यक्ष जका अशरफ भी शनिवार को अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। दरअसल जका अशरफ को आईसीसी के होने वाले बोर्ड बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आना है। इससे पहले जका अशरफ 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को देखने के लिए आए थे, लेकिन इस मैच से पहले
पहले एक बुरी खबर फैंस के लिए आ रही है। इधर विश्व कप के फाइनल मैच से पहले अहमदाबाद में होटल और ट्रांसपोर्ट बेतहाशा महंगे हो गए। शहर के कई होटल में एक एक कमरा 1 लाख से अधिक में मिल रहा है, जबकि दिल्ली या बेंगलुरु से अहमदाबाद जाने के लिए वन वे की फ्लाइट का किराया 35,000 रुपए से भी महंगा हो चुका है। आम दिनों में ये 4,500 रुपए से लेकर 6,500 रुपए के बीच में होता है। होटल हयात रेजेंसी में डिलक्स रूम और किंग साइज बेड बुक करने पर 3 से 4 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं, जबकि रेडिसन ब्लू होटल और अहमदाबाद के गांधीनगर होटल में प्रीमियम कमरे का किराया 1,20,000 रुपए तक पहुंच चुका है। इधर स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले भी महामुकाबला हो चुका है, लेकिन उस वक्त टीम इंडिया का खेल बहुत सामान्य रहा था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड काफी बेहतर रहा है। आपको ये भी बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी तक वर्ल्ड कप के 8 बार फाइनल में पहुंच चुकी है, जिसमें से 5 बार उसने खिताब अपने नाम किया, जबकि भारत 5 बार फाइनल में पहुंच चुकी है, जिसमें से 2 बार ही खिताब अपने नाम कर पाई है। वैसे 19 नवंबर को होने वाले इस मुकाबले में कौन जीतने वाला है, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। यार प्रिपरेशन तो कमाल की है, कितना कुछ हो रहा है, दिस इज अमेजिंग। मतलब ऐसे लग रहा है लेजर शो या लाइट शो भी होगा, बीच में उसका सॉन्ग भी हो रहा है, सिंगर भी आ रही है वो करेगी गाना गाएगी, फिर उसके बाद एयर शो भी होने वाला है, मोदी जी भी आएंगे, सिक्योरिटी भी हाई हो गई है, बाहर भी होंगे कमांडोज और स्टेडियम के अंदर भी होंगे कमांडोज, स्पीकर्स जगह जगह लगाए हुए, गाने सुनने को मिलेंगे आपको बीच बीच में, मतलब एंटरटेनमेंट है जबरदस्त बहुत ही। ये तो साथ में प्रॉब्लम्स भी बताई है कि जो होटलों में जगह नहीं मिल रही, हाँ कितना महंगाई हो गई है वहां पर, ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो गया हर चीज, मतलब लोग अगर आप वहां रहते हो तो ठीक है, अगर बाहर से आ रहे हो तो पहले से ये बुकिंग हुई होनी चाहिए। अब अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो टैक्सी में आना हो यहाँ तक स्टेडियम तक, वो सब महंगा हो जाएगा। और इतना महंगा हो गया, उन्होंने ये तो नहीं बताया कितना गुना महंगा हुआ है, उन्होंने बताया 1 लाख के ऊपर तो आपको होटल में, बोल रही थी ना पिछले एक वीडियो में मैंने पढ़ा था, मुझे लगता है जितने भी वहां पे लोग रहते हैं टॉप फ्लोर पे आसपास स्टेडियम्स के, उनको अपने किराए पे दे देना चाहिए, टॉप फ्लोर का एक आध कमरा बना के साथ में रेस्ट रूम बना के उनको, उनका तो रोज का धंधा हो जाना चाहिए, क्योंकि स्टेडियम के साथ सारे के सारे हो जाएंगे, उनको बोले किराए पे देते हैं हम, हमारी ये बिल्डिंग में टॉप घर है उसके ऊपर हमने छोटा सा बना रखा है, वहां पे रहिए करिए इतना पैसा एक रात का नहीं, और साथ में उनकी जो छत होती है ऊपर, और छत से अगर स्टेडियम का, जैसे हमने देखा था ना एक उसमें वीडियो में कि वो ऊपर बैठे हुए लोग वहीं से ही देख रहे थे, ऐसे कुछ ना था, तुम अपनी छत से देख सकते हो, हमने भी देखा हुआ है, कौन था बेच सकते हैं, देखने को देख सकते हैं, टिकटें नहीं बेच सकते, मैं तो टिकटें लगा रहता कि टिकट है यहाँ आ जाओ देखने के लिए, मैं तो यही करूँ। मैं बप्पी लहरी का कोई शो हुआ था गाने का म्यूजिकल शो, हम लोगों ने मेरे मामा की छत से देखा था, पर वो इतनी दूर था वैसे नहीं दिखता था, तो हमने वो दूर भी नहीं होती बायनोकुलर्स उसके थ्रू देखे थे हमने, और उससे इतना पास दिख रहा था जैसे वो हमारे सर पे आए हैं, वो यहीं पे खड़े हुए हैं, और छोटे छोटे थे, हम सबने देखा था बारी बारी, बायनोकुलर एक था, बच्चे कोई 10-15 थे लाई, अच्छा तेरा टाइम ओवर अब हमारा टाइम, और हमारे जिन जो मामा थे जिसके घर में थे ना वो बड़े हंसमुख हैं, वो बच्चों के साथ इतना मतलब बचपना होता था, वो टर्न करते थे, अच्छा तेरी टर्न, अब तेरी टर्न हो गई, अब इसकी टर्न है, चल छोड़ अब तेरी टर्न, हम लोग टर्न मिलती थी, मैं मेरी टर्न भी आई थी, मैंने कहा यार मेरा तो एडजस्टमेंट में टाइम लग गया कहाँ देखना मुझे अभी तो बहुत दिन याद आ रहे हैं, पर दिस इज रियली अमेजिंग जिस तरह से पूरा अरेंजमेंट किया गया है, और मतलब जो वहां जाएगा उसके लिए फुल एंटरटेनमेंट है। मेरे ख्याल से पहले से प्रिपेयर करके जाना है लोगों को, अगर लास्ट मिनट में जाने की कोशिश करते हो तो नहीं होगा, जो जिसके पास टिकटें हैं बुकिंग है तभी जा सकता है। और कोई अब ये बोलेगा ना, अगर कोई व्लॉगर बोलेगा ना कि मेरे पास टिकट नहीं है, मैं तो ऐसे ही गया, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा होगा। देखिए ये है कि पहले आपको लास्ट मोमेंट पता नहीं है फाइनल में कौन आएगा, तो टिकटें पहले से बिकती होंगी, बट आपको पता नहीं होगा कौन फाइनल पे आएगा, मतलब फाइनल पे कौन सी टीम्स खेलेंगी, यू डू नॉट नो, आपको टिकट उससे पहले इस वाली की नहीं पता होती ना, वैसे जो दूसरी गेम थी मैंने पढ़ा था कमेंट्स में, वो सब तो पता होती है, लीग ये तो डिसाइड की नहीं पता होती है, तो यही है मेन वाली की नहीं पता होती कि कौन से दो खेलने वाले हैं। अगर कोई प्रिपेयर करना चाहे तो ये होगा, भैया हम फाइनल देखेंगे, जो भी टीम्स आ जाए उसी को, फाइनल की हमने टिकट ले ली है, इंडिया आती है तो ग्रेट, उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी, बट ऐसा ही प्रिपेयर करके जो आ रहे हैं दे विल बी फाइन, कि पहले से उन्होंने होटल बुक कर लिए, सब कुछ कर लिया, लास्ट मिनट में जो ना आते उसका बहुत पैसा लगेगा।
का नहीं, जैसे कई हमने देखे थे व्लॉगर्स के, अभी हमारे पास टिकट नहीं है पर हम जा रहे हैं, सबका जुगाड़ ऑलरेडी होता है, इट इज नॉट पॉसिबल, इतनी महंगाई और जिस तरह से बता रहे हैं न्यूज की वो सच्चाई यही है, चाहे लोग कुछ भी कहें सच्चाई यही है, उनका पूरा जुगाड़ हो चुका है, उनको पता टिकट मिलने वाली है, एवरीथिंग इज सेट, पहले से जा रहा हूँ दिख गया, पता चलेगा जब व्लॉग्स देखेंगे, सबके व्लॉग्स देखेंगे फिर पता चलेगा कौन हमारे को उल्लू बना रहा है, ठीक है, तो चलो चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय-बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।